नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कांग्रेस हमें सहिष्णुता का पाठ न पढ़ा है, मोदी का विरोधी पार्टी पर तीखा हमला। देश में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता पर विपक्ष समेत विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पूर्णिया की चुनावी सभा में कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कांग्रेस को असहिष्णुता पर हमें उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, वे इस विषय पर ड्रामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जदयू और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश और लालू ने किस मजबूरी में 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोप का सामना करने वाली इसके साथ गठबंधन किया और ऐसे लोग हमें असहिष्णुता का उपदेश दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि आज 2 नवंबर है, 1984 के 2 नवंबर को याद करें। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में नवंबर की 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था और कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे। रमजान को भी पाकिस्तान लौटने की उम्मीद बंधी। पाकिस्तान के कराची में पिछले 15 साल से रह रही मूक बधिर भारतीय लड़की गीता के पिछले हफ्ते स्वदेश लौटने के बाद अब भारत सरकार ने भी लगभग 2 साल से भोपाल में रह रहे 15 वर्षीय पाकिस्तानी बालक रमजान को वापस उसके मुल्क भेजने की पहल शुरू कर दी है। रमजान फिलहाल भोपाल में बच्चों के आश्रय घर उम्मीद में अक्टूबर 2013 से रह रहा है। गैर सरकारी संगठन आरंभ की संचालिका अर्चना सहाय ने सोमवार को बताया कि विदेश मंत्रालय के निदेशक सुगंध राजाराम ने उनसे 2 दिन पहले फोन पर संपर्क कर बालक मोहम्मद रमजान के बारे में जानकारी हासिल की है और उन्होंने रमजान की अपने मुल्क पाकिस्तान की वापसी के लिए आवेदन भेजने के लिए कहा है। इराक में एक माह में 714 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इराक में हिंसा में 714 लोगों की मौत हो गई। सितंबर में मारे गए लोगों की संख्या 537 थी। यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन फॉर इराक में एक बयान में कहा कि अक्टूबर में मारे गए लोगों में से 559 लोग नागरिक थे, जिनमें नागरिक पुलिस के भी लोग थे। 155 लोग इराकी सुरक्षा बलों के सदस्य थे। ये लोग कुर्तिस पेशमर्गा गृह मंत्रालय स्वेट बलों और इराकी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे मिलिशिया में शामिल थे। इन आंकड़ों में अनवार प्रांत में मारे गए लोगों की संख्या शामिल नहीं है। फेसबुक पर प्यार का चक्कर, महिला को लगाया $3,00,000 का चूना। ऑस्ट्रेलिया में एक महिला फेसबुक पर प्यार के चक्कर में $3,00,000 गंवा बैठी। उसे एक फर्जी व्यक्ति एलन मकार्टी से फेसबुक पर प्यार हो गया और इसी प्यार में उसके साथ यह धोखाधड़ी हो गई। इस व्यक्ति ने खुद को इंटीरियर डिजाइनर बताया था। कार्यवाहक उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त ग्रेन्यू कॉम्ब ने बताया कि नाइजीरिया के अपराधी एक व्यापारिक वेबसाइट के साथ कई फेसबुक प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करते थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।